Hey, in this video I'm going to tell you about Kokon, which I explored in just 2 days, so stay tuned till last. पेट्रोल इज फुल, किलोमीटर आज चेक, मैप इज ऑल गुड एंड माय फ्रेंड आल्सो रेडी। हमने यहाँ पे रस किया और लगभग हमारे 100 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुका है और अभी 76 किलोमीटर्स बाकी है। और फाइनली वी हैव रीच टू कोकन एंड दिस इज अवर रूम, ये हमारा रूम है। तो मैं आपको रूम टूर देता हूँ छोटा सा। सो दिस इज सिंगल रूम विद बेड, मिरर एंड दिस इज वॉश बेसिन एंड बाथरूम। प्रिटी डिसेंट है, हमें 1200 पर नाइट में गिरा है और इसके साथ लंच इंक्लूड नहीं है ना, ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। आपको वो डिफरेंस से पे करना पड़ेगा। इसका आपको 1200 पर डे का आपको रेंट है। मैं आपको नंबर सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कोकन में आ रहे हो तो प्लीज़ इधर कॉन्टेक्ट करके आपको रूम मिल जाएगा। और यहाँ इस रूम का और एक बेनिफिट है कि रूम से लगभग 10 मिनट का वॉक पे ही बीच है, तो वो भी आपको एक बड़ा बेनिफिट है। तो एज़ पर योर विश यू कैन स्टे हियर। सो आप जो वीडियोस अभी देख रहे हो वो यहाँ के लोकल्स के होम है और इतने खूबसूरत है यार, उनके सामने आंगन, वहाँ पे पेड़ पौधे इतना खूबसूरत लगता है। और आप सब देख सकते हो यहाँ पे ऐसा पूल है और घर पे जाने के लिए ऐसा, मतलब कितना डिसेंट और अलग है, मतलब इतना अच्छा लगता नहीं है देख के। और हम सिटी के लोग तो बहुत सारा कुछ मिस कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़े देर बीच पे चिल किए, बहुत मज़ा किया। एंड सेकंड थिंग, हमने फ्रेंड के रिश्तेदारों के घर पे गए थे, वहाँ पे हमने थोड़ा सा चिल किया क्योंकि ये मेरे फ्रेंड का गाँव है। एंड दिस इज़ माई फ्रेंड साहिल, ही इज़ माई ट्रैवलिंग बडी। और उसके बाद हम खाना खा के सो लिए क्योंकि अगले दिन हमें जाना था सनराइज कैप्चर करने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड इट्स अराउंड 4:30 AM इन द मॉर्निंग विद डार्क व्यू। और अभी हमारा राइड पे जाने का प्लान है, तो लेट्स सी, आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा आगे। और आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली, तो बी विद मी। Oh, oh, oh.
ब्यूटीफुल सनराइज व्यू, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन. So after that we headed towards Dapori, which is around 15 kilometers from here. और दापोड़ी पहुंचते ही हमने फ्रेंड के रिलेटिव्स के यहाँ ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हमारा मेन एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ. पैसे बचा लिए. टेम्पल विच वी विजिटेड, और आप इस एरिया में आ रहे हो दापोड़ी साइड में तो प्लीज उन्हें विजिट कीजिए. सेकेंड टेम्पल बागेश्वर मंदिर जो उसी के साइड में पड़ता है, यहाँ पे भी अच्छे स्पॉट्स है और आपको टेम्पल में जाना पसंद है तो प्लीज. एंड दिस इज आवर थर्ड टेम्पल जिलाई देवी टेम्पल, ये भी बहुत सुंदर है और उसी के साइड में ही है, और ये जो तीनों टेम्पल है वो साइड बाय साइड है तो मस्ट विजिटेड है, रिकमेंडेड. और यहाँ सारे एरियाज के वाइब्स इतने अच्छे और पीसफुल है ना, सो आई विल रिकमेंड प्लीज़ विजिट दिस प्लेसेस, और जितना हो सके कचरा मत फैलाइए और रिस्पेक्ट द नेचर. एंड आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है, लेकिन आपकी मर्ज़ी जो करना है कीजिए, लेकिन उस एरिया की वाइब्स ही बहुत डिफरेंट है, तो प्लीज़ आप जितना हो सके कचरा मत फैलाइए, जितना से होगा इंजॉय कीजिए उस प्लेस को, और जो भी कुछ होगा वो अपने बैग में डाल के अपने रूम पे जाके कचरे में डाल देना. तो इस सब के बाद हमने डिसाइड किया कि एक छोटा सा ड्रिंक लेके लंच कर लेते. और लंच के बाद हमने डिसाइड किया कि हम वो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पे जाके आते हैं, क्योंकि वहाँ नहीं गए तो कहाँ नहीं गए. डिस्टर्बेंस, तो ये क्या होता है टेम्पल से ना, त्या गणपतीचं खेड है, कड्यावरचा गणपती. हाँ, कड्यावरचा गणपती, और जिनको मराठी नहीं आता तो कड्यावर का मतलब है ऑन द कॉर्नर, मतलब ये जो टेम्पल है ये बीच के कॉर्नर पे ना,
तो ये जो टेम्पल है ये बीच के कॉर्नर पे बसा है, तो इसका नाम कड़ियावरचा गणपति रखा है। कड़ियावरचा मीन्स इन द कॉर्नर या ऑन द कॉर्नर, जो समझ ले समझ लो, ये उसका मतलब है। ओके कंटिन्यू। और जाते जाते हमें दो खूबसूरत जगह दिखी, उसमें से पहली थी ये। सेकेंड वॉज दिस हिडन लोकेशन। इस सब के बाद हम वापस रूम पे गए हमारे गांव में खेड़ी में, और थोड़ी देर रेस्ट किया। और रेस्ट के बाद आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन वॉज अ दरगाह एंड सेकेंड वॉज बीच चिलिंग। सो स्टार्ट कर दे। बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, और मुझे भी ये बात क्लियर करनी थी कि आप बहुत जन पूछोगे कि इस वीडियो में मैं कुछ क्यों बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत भी ठीक है, और मैं थोड़ी सी एक नए ट्राई करने जा रहा हूँ वॉइस ओवर टाइप। मैंने कभी पहले किया नहीं है क्योंकि नॉर्मल ब्लॉगिंग सभी करते हैं। आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू दिस टाइम, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखा देना अगर पसंद आए तो। और सेकेंड मोस्ट थिंग, वो कहते हैं ना कि ट्रैवलिंग बहुत कुछ सीखा जाता है, तो सेम इस ट्रिप में भी मेरे साथ वही हुआ है। लिटरली आई हैव डन 500 प्लस किलोमीटर इन दिस ट्रिप, और इस 500 किलोमीटर्स में सब एक्सपीरियंस हुआ है। घाट एरिया, हाईवेज, वाटर क्रॉसिंग भी किया है मैंने। मतलब लिटरली दिस ट्रिप पुशेस माई लिमिट, मैंने लिमिट को पुश किया इसलिए। और मैंने जिस रोड्स पे गाड़ी चलाई है, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी वैसे गाड़ी चलाई नहीं थी। तो वही बात कहना चाहूँगा फिर से, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत कुछ सीखा जाता है। और मैं प्रेफर करूँगा कोकन एक बार तो लाइफ में ज़रूर आना, क्योंकि दैट्स लाइफ टाइम। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, नेचर भी मिल जाएगा, सी ओशन भी मिल जाएगा, जहाँ से आप इंस्पायर हो सकते हो। और बाकी आपकी ये मेरी एक हिडन सच है यहाँ का, जो मुझे पता चला है इस जर्नी के टाइम पे। तो बस इतना ही कहना चाह रहा था, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, और डोंट फॉरगेट टू लीव योर लाइफ हार्ट। बाय।
और इस सब के बाद वी हैड अ लंच एंड गॉसिप किया हमने, बहुत कुछ गॉसिप्स किया क्योंकि ट्रिप अब ख़त्म होने आई है। और इसी नोट पे एक कहना चाहूँगा कि यार नेचर ऑलवेज इंस्पायर्स यू। और दूसरे सुबह 4:30 बजे हम सुबह सुबह निकल पड़े अपने घर की ओर पुणे। और जाते जाते एक बात जो कहना चाहूँगा कि यार सुबह के रोड जो खतरनाक, मतलब क्या नज़ारा था यार, पूछ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, एक नंबर, सिर्फ आप वो एक्सपीरियंस कर सकता हो हुआ तो, वरना आपको खुद ही करना पड़ेगा। और इसी नोट पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं खींचता हूँ, यहाँ पे ये वीडियो एंड करते हैं। हम करीब 10:30 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे लगभग 6 घंटे की राइड के बाद। और बाकी के क्लिम्स आप देख लो। बाय।